डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिकर्सन। रिकर्सन होता क्या है? तो देखो, अभी तक ना हमने कई तरह के फंक्शन पढ़े, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्ग्यूमेंट, अब डिफरेंट टाइप के कई सारे फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से जाना, लेकिन एक और स्पेशल टाइप का फंक्शन आता है जिसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, जो अपने आप को कॉल करता है। एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है वो क्या कहलाता है? रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन वो होता है जो एक प्रोसीजर को यूज करता है। वो प्रोसीजर क्या है? ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, मतलब जो अपने आप को कॉल करना है, वो जो प्रोसीजर है अपने आप को कॉल करना, उस प्रोसीजर को बोलते हैं रिकर्सन। तो रिकर्सन आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। अब एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन अगर बताया जाए तो देखो कैसे चलेगा। सबसे पहले बोर्ड पे आप जो देख रहे हैं वो एग्जाम्पल है एक रिकर्सन का। कैसे? देखो, एक फंक्शन है मेन। मेन एक कॉलर फंक्शन है, खूब अच्छे से आप जानते हैं, जो मैंने अब कई बार आपको पढ़ाया है, कॉलर। और ये जो फंक्शन है जो कॉल हो रहा है, तो इसको बोला कॉल्ड, कॉल। ठीक है, अब कॉलर ने जब कॉल्ड को कॉल किया तो क्या हुआ? शो में गया, प्रिंट वेलकम किया, और वेलकम के बाद वो आउट हो जाता था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? शो को कॉल करने के बाद, शो के अंदर देखो प्रिंट एफ के बाद में क्या हो रहा है, यहां पे शो कॉल हो रहा है ना। अपने आप में एक बढ़िया सी चीज, एक अलग सी चीज है बिल्कुल। यानी कि शो के अंदर शो की कॉलिंग, दिस इज कॉल्ड एज रिकर्सन। अब आपको एक चीज लग रही होगी, जब ये शो कॉल होगा तो प्रिंट वेलकम करेगा, फिर शो होगा, ये यहां पे जाएगा, यानी कि ये यहां यूं करके राउंड करता रहेगा, और ये बिना लूप के एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो रिकर्सन को अगर रोका ना जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, हमारे सिस्टम को हैंग, यानी कि सिस्टम को इनफाइनाइट लूप चला के हैंग कर देता है, इवन हम कह सकते हैं क्रैश कर देता है। तो देखो, इसका मैं पहले एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, फिर बात करेंगे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपके सामने बना हुआ है, अभी बोर्ड से मैं स्क्रीन पे आ गया हूं, इसमें इसको चला के देखते हैं। देखो, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इनफाइनाइट हो गया, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब ये रुकता नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब इसको रोकने का सिर्फ क्रॉश क्लोज ही करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। अब आती है बात, रिकर्सन को रोका कैसे जाए? फायदा उठाना है तो रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए एक 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 ऐसी कंडीशन लगाई जाती है जिससे कि वो रुके, और रुकने के लिए जो कंडीशन लगाई जाती है उसको बोला जाता है बेस क्राइटेरिया। बेस क्राइटेरिया या बेस वैल्यू, बेस क्राइटेरिया या बेस वैल्यू है क्या? बेस क्राइटेरिया या बेस वैल्यू वो होता है जिस पे एक फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करने से रोक देता है, बस उसी को बोलते हैं क्या? बेस क्राइटेरिया। तो देखो, बेस क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करते हैं, मैं अभी एक बात करूंगा आपसे। पहले एक छोटा सा प्रोग्राम उससे पहले दिखाना चाहूंगा, जिसमें होगा क्या, एक फैक्टोरियल का सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, मैंने पहले भी आपको अच्छे से सिखाया है। तो देखो, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस समय पे, ये सिंपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। हो क्या रहा है इसमें, एक नंबर यूजर से मांगा गया, उसका फैक्टोरियल कैसे निकाला गया, खूब अच्छे से आपको आता है, और यहां पे हमने उस फैक्टोरियल को प्रिंट कर दिया। देखो आउटपुट, देखो 5 का फैक्टोरियल 120, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ रहा हूं। अगर कोई मुझसे कहता कि यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओ, यानी कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओ, तो हम इस वाले पार्ट को ले जाते हैं कहां, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, और फिर वहां पर चला देते हैं। तो देखो, ये भी आपके सामने प्रोग्राम है, इसमें क्या हो रहा है कि एक फैक्ट फंक्शन बनाया गया है जिसमें एक इंटीजर पास किया है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, और एक इंटीजर रिटर्न किया है जिस जो फैक्टोरियल बन के वापिस आएगा। तो बिल्कुल वही चीज मैंने यहां पे रखी है, यानी कि एंटर द नंबर यूजर से मांगा, और एफ इक्वल टू फैक्ट एन, एन की वैल्यू क्या होगी, जाएगी यहां से, और फैक्टोरियल फंक्शन कैलकुलेट करेगा फैक्ट फंक्शन, और रिटर्न करके जो वैल्यू देगा वो काई में आ जाएगा, वो आएगा एफ में। ठीक है ना, तो एफ आके मैं यहां पे प्रिंट करूंगा, मैं फंक्शन पे जा रहा हूं। अब देखो हो क्या रहा है फंक्शन में, यहां पे एफ की वैल्यू 1 हो रही है जो मैंने ऊपर करी थी, और 1 से लेके नम तक यहां पे पास जो हुई है वैल्यू नम में आई है। देखो एन की वैल्यू ऑब्वियसली किस में जा रही होगी, ये जा रही होगी नम में, और नम का क्या हो रहा होगा, 1 से लेके नम तक
फैक्टोरियल निकालने के लिए एफ ए इक्वल टू एफ ए इंटू आई, यानी कि 1 की 2 की 3 की नम तक की गुणा करके जो स्टोर किया वो एफ ए रिटर्न किया, वो कहाँ जाता है, एफ में आ जाता है, और एफ को मैं प्रिंट कर देता हूँ। चला के देखो इसको, तो 6 का फैक्टोरियल 720 बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन से भी मैंने ये प्रोग्राम बना लिया और बिना फंक्शन के भी ये प्रोग्राम बना लिया, दोनों तरह से सीख लिया। अब हमें करना है इसे, यूजर डिफाइंड फंक्शन तो रहेगा लेकिन रिकर्सन कैसे बनाया जाता है बात करते हैं। तो रिकर्सन के लिए प्रोग्राम समझाने से पहले जरा मैं बात करूँगा कि ये काम कैसे करना चाहिए। मैं बोर्ड पर आ रहा हूँ फिर से, देखो बोर्ड पे मैं एक चीज लिख रहा हूं आपके सामने। अगर कोई मुझसे कहता है कि 5 का फैक्टोरियल बनाओ, तो देखो कोई भी होगा 5 का फैक्टोरियल लिखेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और कुछ लोग क्या करेंगे, यही चीज दूसरी तरह से लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका मतलब ये हुआ दोनों तरीके तो एक ही है, बस वो एक 1 से शुरू करता है, एक 5। अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें 1 से शुरू किया था, अगर आप i को 5 से शुरू कर देंगे तो क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा। लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूँ। 5 का फैक्टोरियल अगर मैं कहूँ 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो पता है क्या होगा, ये भी तो ठीक ही होगा, बिल्कुल मैथमेटिकली ये ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का फैक्टोरियल में 4 का फैक्टोरियल आया। लॉजिक पे ध्यान दें, फैक्ट जो अभी फंक्शन बनाया था, फैक्ट 5 इक्वल टू 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4। अरे क्या बात हो गई, ये तो फैक्ट के अंदर फैक्ट की कॉलिंग हो गई, बस यही तो हमें चाहिए था, इसी को तो रिकर्सन बोलना है हमें। तो देखो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, ये तो 5 के लिए था, अगर मैं जनरलाइज करता हूं, फैक्ट ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट ऑफ कितना, n माइनस 1, बन गया फैक्टोरियल, यानी कि रिकर्सिव प्रोग्राम जो फैक्टोरियल का है वो बस ऐसे ही करना है और बना डालना है, ठीक है। इसको लेके आ रहा हूं मैं फिर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखो इसके लिए क्या किया गया। अच्छा एक और चीज है, फिर दोबारा से वहीं आना पड़ेगा मुझे, n माइनस 1 अगर 5 था, 5 का या 4 हो गया, 4 के लिए फिर 3 हो गया, 3 2 1 ऐसे बार बार चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 0 माइनस 1 माइनस 2, ये तो कभी रुकेगा ही नहीं क्योंकि n माइनस 1 होता चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे बताओ नेगेटिव का तो कोई फैक्टोरियल होता ही नहीं, और उसकी वजह से ये प्रोग्राम फेल होने वाला है। तो मुझे रोकने के लिए क्या ढूंढना होगा, एक बेस क्राइटेरिया, और बेस क्राइटेरिया क्या होगा, बेस क्राइटेरिया हमारा होगा 1, यानी कि 1 पे आके ये प्रोग्राम रुक जाना चाहिए, घटते घटते 1 पे आके रुक जाना चाहिए। तो देखो मैं प्रोग्राम में समझाता हूं, फिर 1 एक बेस क्राइटेरिया बनाऊंगा और रोकूंगा। देखो ऊपर के प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, यानी कि मेन में मुझे कोई चेंज नहीं करना है। चेंज किस में करना है, रिकर्सिव फंक्शन के लिए, फंक्शन के अंदर। तो रिकर्सिव में कोई रिकर्सन नहीं लिखा जाता, बट क्या है, लॉजिक बनाया जाता है, और लॉजिक क्या है, वो ये एफ ए इक्वल टू नम इंटू फैक्ट नम माइनस 1। सबसे पहले तो यहां से आई हटेगा क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है अब लूप चलाने की, ऑटोमेटिक लूप बनेगा। ये कब चलाना है, जब मेरी वैल्यू एन नम की 1 ना हो। तो देखो यहां पे क्या हुआ, इफ नम इक्वल टू 1, अच्छा 0 को भी हटाते हैं फिर बात करेंगे। यहां पे लिखा, यहां पे अगर वो नम की वैल्यू 1 डालता है तो 1 नम की वैल्यू होते ही क्या करेगा, रिटर्न 1 कर देगा, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। लेकिन अगर 1 के अलावा 2 या 3 डालता है, सोचो 2 पे क्या होगा, 2 1 तो मैच करेगा नहीं, और 1 से यहां पे जाएगा, और एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू फैक्ट 1, यानी कि 2 माइनस 1 1, और 1 से फिर वो यहां जाएगा तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 मतलब 1 से मैच हो गया तो वो रिटर्न 1 करेगा, और जहां कॉल हो रहा था, देखो यहीं कॉल हो रहा था, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे 1, और 1 यहां आई तो रिटर्न हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, और 2 जब रिटर्न होगा तो 2 का फैक्टोरियल 2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं एक ट्राई रन करके दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये कैसे काम करता है अभी बात करेंगे। देखो मैंने 5 का फैक्टोरियल डाला और ये बिल्कुल आराम से चल रहा है, और आउटपुट क्या आ रहा है, 120। तो एक काम करते हैं, इसको ना सामने रख के, बिल्कुल सामने रख के, और इसे चलाने की कोशिश करते हैं बोर्ड पे।
देखो मैं बोर्ड पे आ गया हूँ और अब बोर्ड और वो आपके सामने दोनों चीजें चल रही हैं। देखो इस समय पे बोर्ड पे जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो क्या है, यहाँ पे क्या है कि एक नम की वैल्यू आ रही होगी। तो जितने वेरिएबल हैं उन्हें ले लेते हैं, एक एन है एक एफ है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिया एक एन एक एफ एक नम और एक एफ ए, ठीक है। अब इस समय पे यहां से शुरू करो, नम की वैल्यू सपोज करो उसने 4 डाली एन की वैल्यू, और एन यहां पे मैंने पास किया तो नम में जाएगा कितना यहां पे आएगा और कितना जाएगा यहां पे 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद क्या होगा, नम क्योंकि 1 नहीं होता, ये जाएगा एफ इक्वल टू नम इन टू, तो नम यानी कि यहां पे देखो इक्वल टू नम यानी कि नम कितना है 4 इन टू कितना फैक्ट नम माइनस 1, और फैक्ट लिखेंगे यहां पे नम माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, तो कितना हुआ ये 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। देखो जिस समय पे ये 3 यहां होगा तो 3 नम की वैल्यू, अब ये यहां से कॉल होगा दोबारा यहां पे और क्या होगा यहां पे हो गया 3, और जब ये 3 हुआ तो ये क्या होगा 4 एक जगह जाके स्टैक में स्टोर हो जाता है, 4 के एप्लीकेशन बंद हो जाते हैं, मतलब 4 पे हम कुछ भी नहीं करते और 4 को यहां पे एक स्टैक कहलाता है रख दिया, 4 मतलब एक स्टैक में जाके स्टोर हो जाता है। बाद में क्या होता है वहां से फिर पिक होना शुरू हो जाता है और काम फिर दोबारा से होता है। स्टैक का मतलब तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आएगा वो पहले उठेगा बस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब इस फैक्ट की जगह पे मैं लिखूंगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, क्यों लिखूंगा क्योंकि देखो 3 भी 1 नहीं था तो वो यहां चला गया, और जब यहां चला गया तो 3 इंटू फैक्ट 2 हो गया, फिर ये यहां से कॉल हुआ, तो अब नई वैल्यू जो आएगी मेरी वो कितनी होगी नम की 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 पे कॉल हो रहा है और जब कॉल हो रहा है तो ये 3 तो आ गया इसमें, ठीक है, और ये फैक्ट 2 की जगह 2 भी 1 नहीं है इसलिए 2 इंटू फैक्ट ऑफ कितना 1, और फिर ये 1 यहां पे पहुंच गया, ठीक है, और 1 जब यहां पहुंच गया तो क्या हो गया ये यहां से फिर से कॉल होगा, और कॉल होने के बाद क्या हो जाएगा अब यहां पे ये 1 आ जाएगा, और 1 देखो जब कॉल होगा तो मैच कर गया नम से रिटर्न 1, जहां कॉल हो रहा था वहां 1 आ जाएगा। इसका मतलब अब जो ये 1 आया है देखो गुणा होनी शुरू होगी, यानी कि अब कॉलिंग बंद हो गई, फैक्ट 0 थोड़ी लिखेंगे, फैक्ट ऐसे समझो चलो 1 हो गया तो 1 पे क्या हुआ 1 से 1 मैच हुआ और रिटर्न 1 कर देगा, ये रिटर्न 1 करेगा यहां आ गया, और जब 1 आ गया तो रिटर्न मतलब फैक्ट दोबारा कॉल नहीं हुआ, दोबारा कॉल नहीं हुआ तो क्या होगा देखो इस 1 में इस वाले 1 में गुणा होगी इस 1 की गुणा, सॉरी यहां पे आया था 2, ये रह गया मेरा एक, यहां पे आया ये 2, और 2 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और आंसर होगा 4 3 जा 12 2 जा 24, और ये हो गया 24। तो देखो जब 24 यहां से जब यहां कैलकुलेट हो गया यहां करेगा रिटर्न एफ ए, जब ये रिटर्न एफ ए करेगा तो कहां आएगा जहां कॉल हो रहा था, देखो यहां कॉल हो रहा है तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, एफ की वैल्यू आएगी 24, और जिसे हम यहां पे प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल ऑफ एन मतलब 4 इक्वल टू एफ मतलब 24, ऐसे करके प्रिंट करेगा। आउटपुट आपके सामने मैंने अभी चला के दिखाया ही था, 4 का फैक्टोरियल 24, बिल्कुल सही। तो इस तरह से मैंने आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम एक रिकर्सन के थ्रू समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं चाहूंगा कि कुछ प्रोग्राम आप भी करके देखें रिकर्सिव प्रोग्राम से। तो देखो एक मैं असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स जो लिखा है आपके सामने लेके आ रहा हूं, वो आपको बनाना है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप अच्छे से बनाएंगे, समझा भी दूंगा इसे कैसे बनता है। तो देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन की पावर पी, यानी कि एन रेज टू द पावर पी, शो द सेम ऑन द स्क्रीन यूजिंग रिकर्सन लिखा है, लेकिन मैं आपसे मांगूंगा तीनों तरह से आप बनाएं। पहले आप इसको ना एक लूप से बनाएं, लूप के बाद उसको यूजर डिफाइंड सिंपल फंक्शन से बनाएं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाद में फिर आप उसको रिकर्सन से बनाएं। इसके लिए काम करते हैं, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे फिर से आऊंगा, बोर्ड पे आने का मेरा लॉजिक है क्योंकि मैं आपको लॉजिक बता सकूं। इस समय पे अगर कोई आपसे कहे कि 2 की पावर 5
एक सेकेंड, देखो यहां पे लिखा 2 की पावर 5 इक्वल टू, ऑब्वियसली अगर किसी से कहो तो क्या करेगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि कितनी बार, 5 times 2 की गुणा करी। अगर मैं कहूं इसे फंक्शन से बनाओ यानी कि रिकर्सन से बनाओ, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू, आप ये नहीं लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 2 × 2 की पावर 4, एक लेस करो पावर बन गई, मतलब ये जो चीज है ये रिकर्सन बना रही है मुझे। देखो मैंने क्या करा, पावर एक फंक्शन जो मैं रिकर्सन में रखूंगा पावर 2, 5, ठीक है, तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 − 1 यानी कि 4, तो बन गया मेरा रिकर्सन। अब देखो एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं जो मुझे यहां पे अप्लाई करना है रिकर्सन के लिए। तो देखो पावर ऑफ एन कॉमा पी इज इक्वल टू एन इंटू पावर, आप फंक्शन का नाम पावर रखेंगे वहां पे, मैंने आके बता दिया आप रखिएगा ऐसे, एन कॉमा पी माइनस वन, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे रिकर्सन कॉल करना है। तो आप देखो यहां रिकर्सन बन गया, कैसे बना, देखो एन की पावर पी, एन इंटू पावर ऑफ एन की पावर पी माइनस वन, एक एक कम। अच्छा इसमें बेस क्राइटेरिया क्या रखेंगे, बेस क्राइटेरिया जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1, नहीं 0 लिखेंगे, क्योंकि 2 किसी की भी पावर 0 जो होगा वो हम 1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि किसी भी की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो बेस क्राइटेरिया में लिखेंगे आप इफ पी इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1, सिंपल हो गया, बस इस तरह से करके देखेंगे, अगर करेंगे तो ये बन जाएगा, और अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में या हमारी ईमेल पे भेजिए, हम आपको बना के भेजेंगे और समझाएंगे, एक वीडियो बना देंगे उसका, ठीक है ना। तो एक चीज और बीच में रह गई थी मुझे लगता है, वो और बताऊं तो अच्छा लगेगा। देखो यहां पे हमने जब कैलकुलेट किया तो इसमें एक प्रॉब्लम रही, 1 तक का तो फैक्टोरियल निकल जाएगा, नेगेटिव का तो निकलता ही नहीं है, लेकिन 0 का भी फैक्टोरियल होता है, आपको पता है क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल होता है 1। तो इसका मतलब मैं यहां पे एक केस और डाल दूं, और एन यू एम नाम इक्वल टू 0 तो भी रिटर्न 1 हो, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का भी 1 और 1 का भी 1, और किसी नंबर का होगा एल्स में चला जाएगा। तो इस तरह से आप रखेंगे, ये था हमारा रिकर्सन के बारे में पूरा वीडियो, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लेके चलेंगे एरेज।